मगर कोई बात सामने आ सकी, कोई नाम सामने आ सके कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने मुल्क में वापस जाना चाह रहे हैं? अभी तक जो सुरसियाल साहब ने आई है वो मजमूई तौर पे ये सामने आया है कि अगर कोई क्रिकेटर अलग हो रहा है, इवन कि यहाँ तक मुकामी क्रिकेटर्स भी अगर लीग से अलग होना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी कहा गया है कि उनको इजाजत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध जिस तरह कल फैसला किया गया था कि खाली स्टेडियम में मैचेस होंगे, तो इस सूरत हाल में जो है इब्तदाई तौर पर ही मामला जो है उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि कोई मामला ऐसा केस सामने ना आए, तो इस वजह से एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये फैसले किए जा रहे हैं। और अगर आप देखें कि इस वक्त अभी दुनिया में जितनी स्पोर्ट्स हो रही है, आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच तो खाली स्टेडियम में हो रहा है, इसी तरह यूरो लीग के जो मैच है एक टीम में वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद है। हाफिज शहबाज बताएगा क्या एकदम उठाया गया इससे मुतालिक? बिल्कुल, पीसीबी की राय से ये मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात के बाद जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं और दीगर गैर मुल्की क्रिकेटर्स उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दे दी है कि अगर वो लीग से अलग होना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। हमारे जराये के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन जो मुअत्तल होने का खदशा है जिसके बायस इंग्लिश क्रिकेटर जो है वो लीग से अलग हो रहे हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी किस्म का भी जो है रोक टोक नहीं है, उन्होंने इजाजत दे दी है क्योंकि हालात जो है वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब क्योंकि मुख्तलिफ हवाले के फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो रहे हैं, तो जिस वजह से ये देखते हुए इंग्लिश क्रिकेटर्स के हवाले से मालूम हुआ है कि वो लीग से अलग हो रहे हैं। अच्छा हाफिज शहबाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से भी यकीनन तहफ़ुज़ात का इजहार किया होगा, मगर ये भी सूरत हाल पूरी दुनिया पर ही वाज़ेह है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में सिचुएशन अभी काफ़ी अंडर कंट्रोल है, मगर कोई बात सामने आ सकी, कोई नाम सामने आ सके कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने मुल्क में वापस जाना चाह रहे हैं? जो सुरसियाल सामने आई है वो मजमूई तौर पे ये सामने आया है कि अगर कोई क्रिकेटर अलग हो रहा है, इवन कि यहाँ तक मुकामी क्रिकेटर्स भी अगर लीग से अलग होना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी कहा गया है कि उनको इजाजत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध जिस तरह कल फैसला किया गया था कि खाली स्टेडियम में मैचेस होंगे, तो इस सूरत हाल में जो है इब्तदाई तौर पर ही मामला जो है उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि कोई मामला ऐसा केस सामने ना आए, तो इस वजह से एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये फैसले किए जा रहे हैं। और अगर आप देखें कि इस वक्त अभी दुनिया में जितनी स्पोर्ट्स हो रही है, आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच तो खाली स्टेडियम में हो रहा है, इसी तरह यूरो लीग के जो मैच है एक टीम में वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, यूएफए चैंपियनशिप जिसमें तमाम यूरोपियन फुटबॉल टीमें खेलती हैं उसके हवाले से भी इतलात है कि वो भी शायद